नहीं करनी है। देखो ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद जीरो मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। स्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशन भरे हुए हैं, जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है, मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता, मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी दो लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक हम नोबिता चमकने लगा। अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता। जियान, क्या हुआ? सुनियो, मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान, तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? चलो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगा। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे ना समझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना यो। मेरा दोस्त भाग के जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। नियो मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिज़ुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा। शिज़ुका! देखी सुखी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सुखी, देखी सुखी, तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिज़ुका। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिज़ुका देगी सुखी के साथ इतना क्यों रहती है? तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना? आ, 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 बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना, और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया तेरे में। नोबिता चलो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें, तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप, ये तो नोबिता की आवाज़ है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा, तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियाँ नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इसे क्या हो गया? ओ अच्छा। इसे कहते खुशी में चलना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है, ये तो बहुत दिख रहा है, और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है।
शायद कोई तो पास आ रहा है, शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा, शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो, ये गर्म है।